हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। देश में लोगों का बाहर निकलना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, ऑफिस, कॉलेज, यहाँ तक कि पब्लिक मीटिंग, सब कुछ बंद कर दिया गया है। यह संकट का समय है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं के चलते डिप्रेशन या चिंता करें। यह आपके लिए अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है और अपने बच्चों के लिए समय निकाल पाने का एक बेहतरीन मौका है। ऐसे में खाली बैठने और बोर होने के बजाय आप अपने बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, गर्मियों में बच्चों को बाहर भेजना बहुत ही रिस्की हो जाता है, इसके लिए भी आप अपने बच्चों को इंडोर गेम्स में ही बिजी रखें तो ही बेटर होगा। तो इस वीडियो में मैं इंडोर गेम्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं उन्हें आप मतलब माइंड गेम अगर खिलाना चाहते हैं तो मैचिंग गेम्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप कई सारे कलर्स की चीज़ें ले सकते हैं और बच्चे से कहें कि आप मैच करिए। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पिक्स दिखाई हुई हैं मैचिंग की, इस तरीके से भी आप बच्चों को बोल सकते हैं, दे सकते हैं उनको बनाकर, और उनसे कहिए कि मैच करें। इसमें भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये भी। इस गेम में बच्चों के साथ आपको भी बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट आता है कलरफुल बॉल्स। आप अपने बच्चों को सॉफ्ट प्लास्टिक या कलर बॉल्स लाकर का एक सेट दे सकते हैं। बॉल्स को बच्चा किक करेगा, थ्रो करेगा, या फिर आप उससे बोलिए कि जो बॉल्स हैं एक कलर की एक साइड पे रख दीजिए, मतलब अलग अलग कलर की बॉल्स को एक बास्केट में रखिए, और इससे उसको बहुत ही मजा आएगा और वो घंटों इसमें बिजी रहेगा। नेक्स्ट गेम है एक्सरसाइज एंड योगा। आप खुद के साथ साथ बच्चे को भी योगा करने के लिए इनकरेज करें और इन्हें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझाएं। इससे आप और आपका बच्चा हेल्थी रहेगा और इस टाइम पर अगर पूरी फैमिली एक साथ योगा करेगी तो उसे काफ़ी मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट है म्यूजिक एंड डांस। आजकल बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है, बट अगर वो अकेले करेंगे तो बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे। तो आप उनके साथ डांस करो तो उन्हें मज़ा भी आएगा और वो काफ़ी देर तक बिजी रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टोरी टेलिंग। वैसे तो आप हमेशा बच्चों को स्टोरी सुनाते ही रहते होंगे, बट आप उसे स्टोरी सुनना भी सिखाइए। इससे आपका बेबी अपनी बात को साफ तरीके से साफ शब्दों में बोलना सीखेगा और एंटरटेन भी होगा। नेक्स्ट आता है अगर आपके बच्चों को पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग और कोई शौक है इस तरीके के, तो फ्री टाइम में आप उसके साथ अपना फेवरेट काम कर सकते हैं। मतलब उसका जो फेवरेट गेम है वो उसके साथ खेलें। इससे बच्चा बहुत खुश रहेगा, क्योंकि आप अगर बिजी होते हो तो उस टाइम पे अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो, तो इस टाइम का आप यूज़ करें। नेक्स्ट, आप बच्चों को गार्डनिंग के बारे में बताएं। बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए गार्डनिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आजकल बालकनी में सबके यहाँ कुछ ना कुछ पौधे लगे ही होते हैं, उसी से बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करें। नेक्स्ट आता है बैलून प्ले। ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। आप बैलून्स अलग अलग कलर के ला सकते हैं, अलग अलग साइज के ला सकते हैं। बहुत ही चीप रेट्स पर आपको इसके पैकेट्स मिल जाएंगे। इससे भी बच्चा बहुत ही अच्छे से खेलता है, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट गेम है हाइड एंड सी। ये गेम भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। घर के अलग अलग कोनों में जाकर छिपना और फिर बच्चे को ढूंढा जाए, ऐसा वो चाहते हैं। ये गेम भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट गेम है क्लीनिंग। तो बच्चों को
क्लीनिंग के बारे में हमेशा ही बताते रहना चाहिए, सिर्फ कोरोना वायरस के चलते ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने बच्चों को क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस को समझाइए। अभी आपके पास बहुत समय है अपने बच्चे में अच्छी आदतें डालने का और उन्हें प्यार से स्वच्छता के महत्व को बताने का। आप उन्हें बताइए स्वच्छ रहने से क्या फ़ायदे हैं और ना रहने के क्या नुकसान है। आप स्टोरी के थ्रू उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं कि बार बार हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, अपने आसपास की सफाई रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उन्हें क्लीनिंग के बारे में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट गेम आप उनके साथ खेल सकते हैं, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप कैरम खेल सकते हैं या चेस खेल सकते हैं या लूडो वगैरह खेल सकते हैं। तो इस तरीके के गेम्स आप बच्चों के साथ में खेलकर अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और हमेशा के लिए यादगार बनाइए। नेक्स्ट है स्टैचू एंड ओवर गेम, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें स्टैचू में एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना होता है और ओवर कहने पर नॉर्मल हो जाना होता है। इससे बच्चे को सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, उनकी माइंड पावर बढ़ती है। अगर आपको अपने घर में रहने का थोड़ा सा समय मिला है तो उसे इस तरीके से यादगार बनाइए अपने बच्चों के साथ। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू अगेन।